हे गाइस, आज है 9 सितंबर और एक बार फिर से क्रेजी फोर टीवी आपके लिए लेकर आया है टीवी का तड़का में आज की 7 छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। बिग बॉस ओटीटी से निकलकर अक्षरा जिशांत के साथ मिलन गाबाने की पार्टी। मिलन काबा ने अक्षरा और जिशांत के साथ अपने रीयूनियन की फोटोज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। अक्षरा और जिशांत ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर तीनों की मस्ती करते हुए फोटो शेयर की है। तीनों का लुक फोटोज में देखते ही बनता है। बिग बॉस ओटीटी के घर में जिशांत के साथ मिलन गाबा का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। वहीं जिशांत के जाने के बाद अक्षरा के साथ मिलन का कनेक्शन और दोस्ती काफी अच्छी रही। फैंस भी उनके कनेक्शन को काफी पसंद करने लगे थे। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। राखी ने जिम में डांस करते हुए फ्लॉन्ट किया सिंदूर, फैंस ने पूछे ये सवाल। राखी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जिम में डांस कर रही हैं। वीडियो में राखी ने सिंदूर लगाया हुआ है। वीडियो में राखी को उनके जिम ट्रेनर के साथ देखा जा सकता है। वो बॉलीवुड सॉन्ग धक धक करने लगा पर डांस कर रही हैं। वीडियो में राखी कैमरे पर आकर अपना सिंदूर फ्लॉन्ट कर रही हैं। सिंदूर लगाने के बाद से एक बार फिर से राखी सावंत के शादीशुदा होने पर फैंस के बीच चर्चा छिड़ गई है। राखी की वीडियो पर कमेंट करते हुए यूजर्स लिख रहे हैं कि ये राखी शादीशुदा है, तो वही दूसरे यूजर ने लिखा आपके पति का बिग बॉस में आ रहे हैं। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। ब्रा फ्रंट करने पर उर्फी को मिली हिजाब पहनने की नसीहत, एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब। बीते कुछ दिन पहले उर्फी को एयरपोर्ट पर ब्रा फ्रंट करते हुए देखा गया था, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई। एक और जहां कई लोगों को उर्फी का एक ग्लैमरस लुक पसंद आया, तो वही कुछ लोग अभी भी उर्फी को एयरपोर्ट पर ब्रा फ्रंट करने पर लगातार ट्रोल कर रहे हैं। उर्फी को ट्रोल करने वाले लोग सोशल मीडिया पर उनको हिजाब और नकाब देने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद उर्फी अपनी ट्रोलिंग को अपने धर्म से जोड़ती हुई नजर आई। दरअसल उर्फी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ट्रोलर्स द्वारा बनाया गया एक पोस्टर शेयर किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और एक शख्स अपने हाथ में उर्फी का ब्रा फ्लॉन्ट करते हुए एक फोटो पकड़े हुए है। फोटो के ऊपर लिखा है पुअर गर्ल के लिए डोनेट करे ताकि हिजाब और नकाब खरीद सके। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। 100 दिन से बेटे से दूर है करण, वीडियो में शेयर किया दर्द। टीवी एक्टर और एक दूसरे से अलग हुए कपल करण मेहरा और निशा रावल मौजूदा समय में तलाक और बेटे कविश को अपने पास रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। करण को अपने बेटे कविश से मिले 100 दिन बीत चुके हैं और उन्होंने अब वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वो उससे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए करण ने लिखा 100 दिनों का भावनात्मक तूफान तुम्हें याद करने का मेरे बेटे, तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने की आशा करते हुए तुम्हें सभी बुराइयों से बचाने में सक्षम होने के नाते और पिता होने के नाते जो मेरी किस्मत में है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। क्राइम पेट्रोल होस्ट करेंगे ये दो पॉपुलर स्टार। आशुतोष राणा और उनकी पत्नी एक्ट्रेस रेणुका शहाणे क्राइम पेट्रोल 70 गुमराह बचपन शो को होस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार के सीजन में कुछ ऐसे संकेत होंगे जो माता पिता को कुछ चेतावनी संकेतों को पहचानना, अपने बच्चों को सूचित और शिक्षित करना सिखाएंगे। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक होस्ट के रूप में जुड़ने की पुष्टि भी एक बातचीत में की और प्रोमो शूट के दौरान एक BTS वीडियो रेणुका ने शेयर भी किया है। रेणुका को अपकमिंग एपिसोड के लिए अपने पति और एक्टर आशुतोष राणा के साथ फिल्म करते देखा गया है। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। रूबीना से अपने रिश्ते पर बोले पति अभिनव, अब कही ये बात। बिग बॉस 14 के दौरान रूबीना और अभिनव की शादीशुदा लाइफ काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। खुद रूबीना ने शो में खुलासा किया था कि दोनों तलाक लेने तक का फैसला कर चुके थे। हालांकि बिग बॉस के बाद दोनों के रिश्ते में काफी सुधार हुआ है और अब रूबीना से अपने रिश्ते पर अभिनव ने बताया है कि रूबीना के साथ मेरा बॉन्ड मैच्योर और डेवलप हो रहा है। तुम्हें पता है जो भी छोटी छोटी खामियां थी या चीजें गलत रास्ते पर जा रही थी, मैंने उसे ठीक करना शुरू कर दिया है, अब चीजें अच्छी हैं। टीवी का तड़का, सातवें रात्रि टॉप न्यूज। ये रिश्ता और कुंडली भाग्य पर आई बहुत बड़ी खबर। जी हां, टीवी के इन दोनों शोज पर बड़ी अपडेट सामने आई है। खबरें हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों शोज में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। हालांकि ये बदलाव क्या होगा इस बारे में कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन खबरें हैं कि शो में ये बदलाव लीप से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल तो ये है टीवी और स्टार्स से जुड़ी 7 छोटी बड़ी खबरें।